प्रदेश के जनपद महोबा में एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर और विधायक चरखारी ब्रजभूषण राजपूत की मौजूदगी में एएनएम ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर विधायक चरखारी ब्रजभूषण राजपूत ने कहा कि एएनएम ट्रेनिंग सेंटर काफी सालों से बंद पड़े हुए थे, जो कि योगी आदित्यनाथ सरकार में दोबारा शुरू किए गए हैं। प्रदेश के मुखिया द्वारा उठाए गए इस कदम का लाभ सीधे तौर पर आवाम को मिल सकेगा। पूर्व की सरकारों ने इस दिशा में कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार में बेहद गंभीरता के साथ एएनएम ट्रेनिंग सेंटरों की शुरुआत की गई है। चरखारी विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एमएमसी जितेंद्र सिंह सेंगर ने एएनएम ट्रेनिंग सेंटर का फीता काट कर शुभारंभ किया। इस मौके पर डीएम मनोज कुमार समेत तमाम अफसर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विधायक चरखारी ब्रजभूषण राजपूत ने अपने विचार रखते हुए कहा कि स्वास्थ्य महकमे को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है। इस ट्रेनिंग सेंटर में स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर नर्सिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके। इसी उद्देश्य के तहत प्रदेश सरकार ने एक बार फिर एएनएम ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की है। आइए दिखाते हैं विराट 24 न्यूज के लिए महोबा से कौशलेंद्र राठौर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नर्सों की कमियां थी, डॉक्टर की कमियां थी, उसको लेकर बंद पड़ी 35 साल पुरानी योजना, जो एनएम नर्सों को प्रशिक्षण दिया जाता था, 35 सालों से बंद थी। कई सरकारें आईं और गईं, किसी ने भी ये चिंता नहीं की। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने ये चिंता की, उत्तर प्रदेश के अंदर जो नर्स स्टाफ और डॉक्टर की कमी है उसे कैसे दूर किया जाए। ऐसे 40 प्रतिष्ठानों पर उन्होंने एनएम और नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर को शुरू करवाकर उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। और चरखारी के लिए ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि इतने बरसों पुराना ट्रेनिंग सेंटर जो बंद पड़ा था, आज हमारे मुख्यमंत्री जी की वजह से चालू हुआ है। मैं उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।